फाइनली अभी हम लोग अंदर में आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का यहाँ पर है एक प्रतिमा इस प्रकार से कॉलेज यूनिवर्सिटी के बीचों बीच में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो अभी आ चुके हैं पूसा में और आज के इस वीडियो में आप सभी को पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूरा घुमाने वाले हैं और देख सकते हैं इस प्रकार से रहा इसका एंट्री गेट। और अभी हम लोग तीनों आदमी चलने वाले और पूरा यूनिवर्सिटी आपको घुमाने वाले काफी अच्छा से इस प्रकार से रहा जाने के लिए रूट। चलिए चलते हैं आगे और आगे का पूरा व्यू आप सभी को दिखाते हैं। और बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पर? एक्सपीरियंस तो बढ़िया है, हम लोग घूमने के लिए आए, एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। पहले तो गए हैं ना, पहले भी बहुत बार गए हुए हैं। अभी स्पेशल वीडियो शूट करने के लिए जाना है, रील के लिए। तो रील के लिए जा ही रहे थे तो सोचे हम भी अपना एक ब्लॉग बना ली, क्योंकि अपने चैनल पर लगभग एक सप्ताह से कोई रील आ नहीं रहा है, तो लगभग ये भी एक दो दिन में आ जाएगा। यहाँ पर रहा मंदिर और इस प्रकार से रहा एंट्री गेट और ये देख सकते हैं बहुत ही पुराना पेड़ है। चलिए चलते हैं आगे और आगे का व्यू आप सभी को दिखाते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर लगभग आधे घंटे से फोटो शूट वीडियो शूट कर रहे हैं जो कि अपने इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगा और इन सभी के इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर देखिएगा। अब चलिए चलते हैं आगे और आगे का व्यू आप सभी को दिखाते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर देख सकते हैं आई लव पूसा और यहाँ पर आप पेट्रोल पंप, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो यहाँ पर भरवा सकते हैं। और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर ही यहाँ पर विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। भारतीय किसानों की सेवा के लिए समर्पित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, ये रहा एंट्री गेट इस प्रकार से। और बाहर का दृश्य देख सकते हैं, वहाँ पर रहा केनरा बैंक और इस प्रकार से है दृश्य। चले चलते हैं अंदर में, फिर अंदर का व्यू आप सभी को दिखाते हैं। यहाँ पर चल रहा है साफ सफाई, कटाई छटाई चल रहा है, जो फालतू का बच जाता है उसका। फाइनली अभी हम लोग अंदर में आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का यहाँ पर है एक प्रतिमा इस प्रकार से कॉलेज यूनिवर्सिटी के बीचों बीच में। और उधर रहा तिरंगा झंडा अपना, कुछ इस प्रकार से है अंदर का दृश्य। देख सकते हैं काफी ज्यादा सुंदर यहाँ पर विश्वविद्यालय, यहाँ पर पूसा हाउस मार्ग जाने के लिए ये रहा रास्ता इस साइड में। यहाँ पर देख सकते हैं फोटो शूट का बहुत ही अच्छा व्यवस्था, यहाँ पर बैठ के आराम से पूरा चारों तरफ झाड़ रहेगा। इधर रहे अपने राइडर राहुल जी, बताइए कैसा लगा इस यूनिवर्सिटी में आकर? यहाँ आके तो मुझे बहुत बढ़िया फीलिंग हो रही है। हाँ हाँ, और अच्छा भी लग रहा है, व्यू भी बढ़िया है, काफी ज्यादा सुंदर व्यू है। देख सकते हैं इस प्रकार से रहा व्यू। देखिए वहाँ पर उस साइड में रहा ईख अनुसंधान संस्थान जाने के लिए रास्ता, तो उधर जाइएगा तो ईख अनुसंधान संस्थान मिल जाएगा। और यहाँ पर सुरक्षा के लिए पुलिस भी रहती है। और यहाँ पर रहा राजेंद्र शिशु सदन, यहाँ पर बच्चों के लिए की पढ़ाई होती है इस साइड में। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं। इधर सामने में रहा शोध केंद्र और छात्रावास, सामने में देख सकते हैं ये रहा गेट। और यहाँ पर रहा महावीर मानस मंदिर कॉलेज के यूनिवर्सिटी के बीचों बीच, यहाँ पर मंदिर भी देखने को मिल जाएगा आपको महावीर जी का। यहाँ पर विद्यापति सभागार और यूनिवर्सिटी में पानीपुरी का ठेला न हो तो काम कैसे चलेगा, तो यहाँ पर पानीपुरी भी मिल जाएगा यूनिवर्सिटी के बाहर। अभी हम लोग आए थे यूनिवर्सिटी में लेकिन अंदर अभी नहीं जाने दिया गया, बोले कि 1 तारीख को नया साल में आइएगा और उस दिन घूम सकते हैं। अभी कॉलेज में कुछ काम चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन अभी एंट्री नहीं मिला। चलिए आते हैं नया साल में। वैसे पिछले साल नया साल में आए थे, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको चेक कर सकते हैं। बाकी लगभग आधा यूनिवर्सिटी आप सभी को घुमा चुके हैं लेकिन जो मेन अंदर वाला था वो नहीं घुमा पाए हैं। ये रहा गेट, मेन एंट्री गेट। चलिए बाहर चलते हैं।